एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधा घोड़ा बहिर सवार, दे परमेश्वर ढूंढन हार। घोड़ा अंधा होगा तो कहाँ का कहाँ पहुँचेगा, सवार बहरा होगा तो किससे रास्ता पूछेगा। और ऐसी जोड़ी अगर बन जाती है तो भगवान ही मदद कर सकता है। क्या कुछ वैसा ही चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नेवल बेस जो उसने भारत से बचने के लिए बनाया था उस पर हो गया है हमला। जानेंगे ये एक दूसरा बड़ा झटका उन सबके बीच में है जब पाकिस्तान दूसरी तरफ अफगानिस्तान से उलझा हुआ है और उसे बॉर्डर बंद करने के लिए कह रहा है कि हम तुम्हें भारत से व्यापार नहीं करने देंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि इस वक्त ना, वो कहते हैं ना, अकाल पड़े तो पीहर और ससुराल दोनों में एक साथ पड़ता है, कुछ वैसा ही सीन पाकिस्तान के साथ होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान से परेशान है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान से परेशान है। अफगानिस्तान बात नहीं मान रहा है। हाल फिलहाल में हमने देखा अफगानिस्तान बॉर्डर पर लड़ाई की नौबत आ गई और पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक का जवाब देने के लिए अफगानिस्तान ने कहा कि हम इसका बदला निकालेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि भैया हम वार नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। अब आगे बढ़कर ये देखने को मिल रहा है कि कुछ छिटपुट घटनाएं यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हो रही है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से सेकेंड फेज लॉन्च करने वाला है। और ये सेकेंड फेज क्या होगा, जो भी अनडॉक्यूमेंटेड शरणार्थी हैं अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उन्हें निकालेगा पाकिस्तान। तो ये दूसरी बार फिर से कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो कहा जा रहा है कि पहली बार में करीब 8 लाख लोगों को निकाल चुका है, अब दूसरी बार में न जाने कितने लोगों को वापस से भेजेगा। और ये जो भी कुछ हो रहा है ना, उससे चीजें अच्छी होने के बजाय, रिश्ते अच्छे होने के बजाय अफगानिस्तान के साथ खराब होंगे, ये तो तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं इनके, इन्होंने पहले से ही आदेश दे दिया है जिला अधिकारियों को और पुलिस को कि डेटा आप निकालना शुरू कर दो, कौन यहाँ पर अनऑथराइज्ड तरीके से रह रहे हैं और उनको बाहर का रास्ता हमें दिखाना है। इन सब के बीच में एक दूसरी खबर देख सकते हैं द प्रिंट की, जिसमें तोरखम बॉर्डर को इस वक्त बंद कर दिया गया है। स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर है तोरखम बॉर्डर की। यहाँ पर अफगानिस्तान से माल पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान से अफगानिस्तान में जाता है, व्यापार के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल होता है और इसे बंद कर दिया है। यहाँ पर एक पॉइंट है नादरा पॉइंट। इस नादरा पॉइंट में कुछ दिन पहले लोगों और अधिकारियों के बीच में हाथापाई हो गई थी, कहा जाता है इसी वजह से यहाँ पर इसे बंद कर दिया गया है उनके लिए जो पैदल यात्री हैं। फिलहाल के लिए व्यापार चल रहा है, लेकिन ये व्यापार कितने समय तक चलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान ने, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, एक नया धमकी दिया और कहा कि हम अफगान ट्रेड कॉरिडोर को ही बंद कर देंगे जो भारत के साथ चल रहा है। अब ये क्या मामला है, जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं, व्यापार अफगानिस्तान का भारत से पाकिस्तान के रास्ते से होकर गुजरता है। बहुत सारा व्यापार अभी भी पाकिस्तानी बॉर्डर से होते हुए ही आता है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर भारत। तो पाकिस्तान का कहना है कि तुम अगर TTP पे दबाव नहीं डालोगे, आप इस पर ध्यान नहीं दोगे, तो फिर हम आपके इस ट्रेड कॉरिडोर को बंद कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हालांकि ये एक और कहते हैं ना, जैसे कि ताबूत में कील मारना, वैसी ही घटना है, क्योंकि इसके बाद समझ लीजिए और कड़वाहट बढ़ ही जाएगी। और यहाँ पर जो कड़वाहट बढ़ेगी इसका नतीजा ये हो रहा है कि अफगानिस्तान दूसरा रूट ढूंढ रहा है। जैसे कि एक रास्ता चाबहार के रास्ते अफगानिस्तान वैसे भी एक नए कॉरिडोर का विकास कर रहा है और अफगानिस्तान उस रास्ते भारत के साथ व्यापार करना चाह रहा है, तो अफगानिस्तान तो अपना
अपना रास्ता ढूंढ ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते बहुत ही ज्यादा खट्टे होते जा रहे हैं। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एक बार फिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में देश के दूसरे सबसे बड़े नेवी एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ है। तुर्बत शहर में स्थित पाकिस्तानी नौसेना के स्टेशन पर हमले के बाद पाक सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए 4 आतंकियों को मार गिराया है। ऐसा कहा जा रहा है कि स्वचालित हथियार और हथगोलों से लैस थे आतंकी। इन्होंने तुर्बत में पाकिस्तानी नौसेना स्टेशन PNS सिद्दीकी पर हमला किया। स्टेशन पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से जवाबी फायरिंग मिली और आतंकी को मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि पाक सुरक्षा बलों को इस झड़प में कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ, स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं। इनका कहना है कि यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह नष्ट हो गए हैं और कुछ और भी चीजें नष्ट हुई हैं। अब क्या सच है ये तो पाकिस्तान से निकल कर आएगा तभी पता चलेगा। पर स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों ने नौसेना स्टेशन में घुसने की कोशिश की, लेकिन नौसेना बेस के बाहर ही उनकी सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ हो गई और वो गोलीबारी के दौरान मारे गए। आतंकियों के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और इस क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। वैसे आपको बता दें, इस नेवल बेस पर चीनी ड्रोन भी तैनात हैं, जबकि कुछ सूत्र कह रहे हैं कि इस हमले में 6 आतंकी शामिल थे, जिनमें 4 मारे गए और 2 भागने में कामयाब हो गए। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा ISPR ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। BLA ने एक बयान जारी करके हमले का दावा किया है। BLA ने अपने बयान में कहा है कि समूह की आत्मघाती इकाई यानी कि मजीद ब्रिगेड के लड़ाकों ने इस एयरबेस पर हमला बोला है। पाकिस्तान की सेना के ठिकानों को हाल के दिनों में लगातार निशाना बनाया गया है। 20 मार्च को 8 आतंकवादियों ने दक्षिण पश्चिमी बंदरगाह शहर ग्वादर में एक इमारत पर हमला करते हुए 2 सुरक्षा गार्डों की हत्या कर दी थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकवादियों को मार गिराया। खैर, जहां ये सब कुछ हो रहा है, वैसे ही ये जो नेवल बेस है ना, ये नेवल बेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो यहाँ कहा जाता है कि अभी ड्रोन, हेलीकॉप्टर, कई सारी महत्वपूर्ण चीजों की तैनाती यहाँ पर की गई है, पर जो इतिहास रहा है इसे बनाने का, वो इतिहास रहा है भारत का डर। भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, इंडियन नेवी ने, ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इस ऑपरेशन में December 4, 5, 1971 को चला था ये ऑपरेशन। इस ऑपरेशन ने जितना ज्यादा तबाही मचाई थी, किसी ऑपरेशन ने नहीं मचाई। इसमें एंटीशिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था पहली बार इस क्षेत्र में, और ये ऑपरेशन टारगेट करते हुए था यहाँ के पाकिस्तान के पोर्ट कराची। कराची पोर्ट को हैवी डैमेज हुआ था, पाकिस्तानी वेसल्स, फैसिलिटी सभी को नुकसान हुआ था। 4 मिसाइलें दागी गई थी, वेसल्स गल्फ वॉर डुबा दिया गया था, ब्रिटिश शिप SS हरमैटन डुबा दिया गया था, पाकिस्तान की नेवी फ्लीट टैंकर PNS डेका को नुकसान पहुंचा था। और कहा जाता है कि कराची के 50% फ्यूल रिजर्व को तबाह कर दिया गया था। और जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन में कराची का माइन स्वीपर, डिस्ट्रॉयर, कार्गो वेसल, फ्यूल स्टोरेज टैंक, डिस्ट्रॉयर, ये सब कुछ बुरी तरीके से बर्बाद हुए थे। पाकिस्तान के उस समय $3 बिलियन का नुकसान दिया। तब जाके पाकिस्तान ने ये सोचा कि हमारे पास एक और नेवल बेस होना चाहिए, और तब निर्माण किया गया था तुर्बत का। अब तुर्बत पर भी यहाँ सामत आ रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।